आज हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। वातावरण का अर्थ है परिभाषा है। इससे पूर्व हमने वंशानुक्रम के बारे में लगभग सभी बातें पढ़ ली हैं, जिसमें वंशानुक्रम का अर्थ, परिभाषा, वंशानुक्रम की प्रक्रिया, वंशानुक्रम के सिद्धांत और वंशानुक्रम के बालक पर प्रभाव, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है। अब वंशानुक्रम के साथ आता है वातावरण। तो वातावरण का मानव के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, इससे संबंधित हम टॉपिक करते हैं। आज हम शुरुआत करते हैं वातावरण का अर्थ एवं परिभाषाओं से। वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द भी प्रयोग किया जाता है। वातावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, या अगर कहें तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। पर्यावरण क्या है? परिधन आवरण, अर्थात परि का अर्थ हो गया चारों और आवरण का अर्थ हो गया ढकने वाला, या जो अपने को चारों ओर से घेरे हुए हैं। इस प्रकार यदि पर्यावरण को हम एक वस्तु माने कि वह पर्यावरण वह वस्तु है जो चारों ओर से घेरे या ढके हुए हैं, अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ है वह उसका वातावरण है या उसका पर्यावरण है। इसमें वे सब तत्व तो सम्मिलित किए जा सकते हैं जो व्यक्ति के जीवन और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अब हम वातावरण के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषाओं को अध्ययन कर लेते हैं। जैसे पहली परिभाषा देखते हैं हम बोरिंग, लैंगफील्ड व वर्ल्ड के अनुसार। इन्होंने कहा था कि पितरकों के अलावा व्यक्ति को प्रभावित करने वाली प्रत्येक वस्तु वातावरण है। पितरकों क्या होता है? वही हमारा वंशानुक्रम। दूसरा है वुडवर्थ। वुडवर्थ ने कहा था कि वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति के जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया। जब व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म से ही व्यक्ति वातावरण के प्रभाव में आ जाता है। इसी बात को डगलस तथा हॉलैंड ने भी समझाया था कि उन्होंने कहा था कि वातावरण शब्द का प्रयोग उन सब बाह्य शक्तियों, प्रभावों और दशाओं का सामूहिक रूप से वर्णन करने के लिए किया जाता है जो जीवित प्राणियों के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, बुद्धि, विकास और परिपक्वता पर प्रभाव डालते हैं। लेकिन रास मोदे ने बहुत ही छोटी परिभाषा कही थी। उन्होंने कहा था कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, अर्थात ये सारी चीजें वापस आ गई, हम चाहे तो उसमें अपना जीवन, स्वभाव, व्यवहार, बुद्धि, विकास, ये सारी चीजें उसमें आ जाती है। जिस्टर ने कहा था कि वातावरण वह हर वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है और वह उस पर सीधे अपना प्रभाव डालती है। एनास्टस्टी ने बताया था कि वातावरण वह हर वस्तु है जो व्यक्ति के पितृयोगों के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि, या इन परिभाषाओं के आधार का जो सार निकलता है वो इस प्रकार निकलता है कि वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करने वाला तत्व है। इसमें बाह्य तत्व आते हैं। वातावरण किसी एक तत्व का नहीं अपितु एक समूह तत्व का नाम है। यह वह हर वस्तु है जो व्यक्ति को प्रभावित करती है। इस दृष्टि से वातावरण व्यक्ति को उसके विकास में वांछित सहायता प्रदान करता है।